एक लाख महिलाओं का कार्यक्रम दिल्ली रामलीला ग्राउंड आप लोगों के माध्यम से करवाएंगे, महिलाओं के माध्यम से। जो महिलाएं कपड़े धो सकती हैं, जो महिलाएं बर्तन धो सकती हैं, विश्वास करो वो महिलाएं मन वाचा बिल्कुल साफ सुथरा करके धो सकती हैं, घर साफ कर। सुनो मेष्टवारी पुरुषों, तुम 50% लड़ाई हार के चलते हो, क्यों? क्योंकि तुम 50% महिलाओं की संख्या घर में छोड़ के चलते हो कि डरो मत, हमसे मिलवाओ, हम उनमें अम्बेडकर वार्ड डाल देंगे, आपके काम आसान कर देंगे। अभी हमने 100 ताकतवर पूरे देश की बहुजन बेटियों को सम्मानित किया और 100 ताकतवर महिलाओं का एक मंच बनाकर अब हम 1,00,000 महिलाओं का कार्यक्रम जिसमें सिर्फ बहुजन समाज की महिलाएं होंगी। महापुरुष बहुत हुए, अब महापुरुष नहीं बनने का समय है। महापुरुषों को तो कह देते कि महापुरुष, अब महिला वर्जन में अगर आएंगे तो क्या कहेंगे बताओ? अपने लिए भी कोई नाम सोचो कि आपको भी कुछ कहा जाए। और आज के मंच को मैं पूरा समर्पित करती हूँ उन पुरुषों को जिन्होंने ये तैयार किया है, उनका हक बनता है ये, इसलिए क्योंकि इन पुरुषों को देखकर बाकी पुरुषों के भी अंदर थोड़ी चेतना आए और वो भी मंच लगाएं और अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बहनों को और अपनी माओं को इस तरह से मंच देकर सम्मानित करें। वास्तव में अम्बेडकरवाद यही है जो आज इस मंच पर दिख रहा है। मैं खुश हूँ और मेरे यहाँ बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो महिलाएं बोले जो घर में बेलन से रोटियां बेलकर पूरे परिवार का पेट भरती है। मैं चाहती हूँ वो महिलाएं यहाँ पर आकर बोले जो घर सारा दिन भर कपड़े ढूंढ ढूंढ कर धोती रहती हैं, वो महिलाएं बोले जो सारा दिन भर सबके झूठी प्लेटें उठा उठा करके टेबल से वॉश बेसिन तक सिंक तक ले जा करके धो धोकर सुखा सुखा करके सवार कर रखती है, क्योंकि उनका बोलना यहाँ बहुत जरूरी है। वो बोलेंगे कि अभी लाखों करोड़ों आवाज देश के अंदर अम्बेडकरवाद की सुनाई देंगी और ये आवाजें अब चीखे बनने लगी है, उनके कानों में बहुत बुरी तरीके से चुपने लगी है कि हम चाहते थे इनके पुरुषों से हम तक कर नहीं ले पा रहे थे, अब इनको तो देखो इन्होंने महिलाएं खड़ी कर दी, अब हम क्या करें भैया? देखिए मैं गाजियाबाद की इस टीम को इसलिए सैल्यूट करूंगी बार बार कि बाकी देश के अन्य स्टेट में, अन्य जिले में जितने भी अम्बेडकरवादी लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ से सीख लें और आगे जाकर इन महिलाओं को सपोर्ट करें, समर्थन करें। उन्होंने अपनी महिलाओं के लिए कलश यात्राएं तैयार की, जागरण तैयार किए, एंटरटेनमेंट के नए संसाधन तैयार किए, साधवियां बनाई, व्यासपीठ बनाई जहाँ से वो प्रवचन कर सकती हैं, वो बैठती है एकदम शाही कुर्सी पर और चारों तरफ ऐसी चलती है और क्या बोलती है, ढोड़ कबार पशु शुद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, खुद बोलती है। ठीक है, हमारे अम्बेडकरवादियों ने करा क्या? कोई ऑप्शन दिया, कोई मंच दिया, महिलाओं को कहीं जगह दी, पुरुषों के मंच में महिलाएं क्या करती है, दबी बैठी रहेंगी किनारे से, सिकुड़ी सिकुड़ी दबी दबी सहमी सहमी दिखाई देंगे, या उनको ग्लैमर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि साड़ी पहनो, लिपस्टिक लगाओ और बस दिखना चाहिए, दो तीन पीछे खड़ी है महिलाएं, क्यों भाई? क्या महिलाएं आपको आपके हिसाब से आप उनको यूज करेंगे? फिर ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद में अंतर क्या रहा? अंतर बताइए ना, अंतर अगर आप अंतर की बात कर रहे हैं तो अंतर ये है, बाबा साहब अम्बेडकर जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन लिखते हैं, इतनी महत्वपूर्ण किताब लिखते हैं पूरे भारत के लिए, तो उसमें उस किताब को माता रमा को समर्पित करते हैं, कहते रामू जो मैं आज ये कर पा रहा हूँ ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाता। बाबा साहब अम्बेडकर ने माता रमाबाई को पढ़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो डिग्रियों की तरफ कम चेतना बांधती और शायद उनका वो काम उनके पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण रहा कि बाबा साहब हजार गुना पढ़े और हम सबको आजाद करके गए। आज हम सबकी एक ही जरूरत है, जितने भी अम्बेडकरवादी पुरुष हैं, महिलाओं को स्पेशल से इनके मंच बना कर दो, इन्हें आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये जिस दिन बाहर निकल आई जो महिलाएं कपड़े धो सकती हैं, जो महिलाएं बर्तन धो सकती हैं, विश्वास करो वो महिलाएं
मंगवा कर बिल्कुल साफ सुथरा करके धो सकती है, घर साफ कर देंगे। जिन गांव की महिलाओं को कमजोर मानते हो, अनपढ़ मानते हो, वो गांव की महिलाएं टेक्निक के माध्यम से मरखनी गाय और मरखनी भैंस का दूध निकाल लेते हैं। तो सोचो ये मरखने मनुवाद और पाखंडवाद के अगर काबू में करने लगी तो किस तरह टेक्निक से बाहर फेंक डालेंगे अपने घर से, कमजोर ना समझो उनको भी। और सुनो मेटरवाड़ी पुरुषों, यहाँ कैमरे से बोलती हूँ, पुरुषों सुन लो, तुम 50% लड़ाई हार के चलते हो, क्यों? क्योंकि तुम 50% महिलाओं की संख्या घर में छोड़ के चलते हो। और जो सोचते हो महिलाएं सुधरती नहीं है भैया, महिलाओं को तो कितना भी समझा लो, अरे क्यों समझा रहे हो ना बंद कमरे में, यहाँ लाके बिठाओ ना, ये अपने आप समझ के जाएंगे यहाँ से। तुम बंद कमरे में कैसे सिखाते हो, कैसे समझाते हो, हमें क्या पता, बंद कमरे में तो महिला शहर में क्या समझाओगे तुम उसे, तो वहां समझा समझा के कहते हैं तो थक हारे नहीं सुधरती, आप ही देख लो। और कुछ तो ये कहते हैं बड़े बड़े ऑफिसर, मैडम प्लीज, बहन जी प्लीज, अब मेरी पत्नी आ रही है, तो थोड़ा सा इस वाले विचार पे थोड़ा सा ब्रेक लगा लो, कुछ और चर्चा करते हैं। यानी कि वो इतना घबरा गए जैसे कि खूंखार शेर में घूम रही है चारों ओर और अम्बेडकरवाद की बात करते ही उसको निगल जाए। तो हम ऐसे पुरुषों की भी हेल्प करना चाहते हैं कि जितनी भी यहाँ काम कर रही है और जितनी भी यहाँ बैठी है, ये सब आपकी हेल्प में आपके सहयोग में खड़ी है। और ये कहना चाहती है कि डरो मत, हमसे मिलवाओ, हम हमें अम्बेडकरवाद डाल देंगे, आपके काम आसान कर देंगे। गाजियाबाद में भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से रमेश गौतम जी और उनकी टीम, उन्होंने इतनी सारी महिलाओं को तैयार किया। ऐसे पुरुषों को मेरा नमन है जो जगह जगह पर काम कर रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे जोड़े, ऐसे कपल, हम लोग अभी एक घोषणा करने जा रहे हैं, एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अभी हम लोग पहले चर्चा की, अभी मर्यादा और मैं अभी चर्चा कर रहे थे और ये डन हो गया है। अभी हमने 100 ताकतवर पूरे देश की बहुजन बेटियों को सम्मानित किया और 100 ताकतवर महिलाओं का एक मंच बनाकर अब हम 1,00,000 महिलाओं का कार्यक्रम, जिसमें सिर्फ बहुजन समाज की महिलाएं होंगी, एससी ओबीसी एसटी और बाकी नहीं, क्योंकि हमने इनके हाथ में मंच और माइक देना है, हमें उनको नहीं देना, हमें उनकी लड़ाई नहीं लड़नी, हमें हमारी महिलाएं आजाद करानी है। तो 100 पावरफुल महिलाओं का हमने यहाँ सम्मेलन किया और 17 सितंबर पेरियार की जयंती पर हम लोग 1,00,000 महिलाओं का कार्यक्रम दिल्ली रामलीला ग्राउंड आप लोगों के माध्यम से करवाएंगे, महिलाओं के माध्यम से। जब 1,00,000 महिलाएं बोलेंगी जय भीम, तो बताओ क्या मनुवाद और ब्रह्मवाद घरों में टिका रहेगा, चीखों से जमीन पर पटक पटक कर अपना सर पटक कर मर जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने अभी तक आपके दम पर आपके घर में कब्जा किया हुआ था। क्योंकि पुरुष हमारे बाहर कमाते हैं और जेब भर के घर में लाते हैं और महिलाएं उठाती हैं और कथाओं में, बाबाओं के मंदिरों में और इनमें अंडाल में पंडाल में जाकर के चढ़ा देती है। तो उन्होंने क्या पकड़ रखी है, बैंक पकड़ रखी है, कमाने वाला कमाता रहे और बैंक तो उनके कब्जे में है। तो हमें हमारी उनकी हमेशा बैंक आजाद करानी है और महिलाएं ही हमारे बच्चों को विचार देती है, इसलिए उन्होंने मनुवाद का विचार पहले महिलाओं में डाला ताकि ये महिला अपने बच्चों को सिखाती रहे। अब हम भी उसी पैटर्न पर काम करेंगे, अपनी महिलाओं को पहले आजाद कराएंगे। अभी एक जो घोषणा हम करने जा रहे थे वो ये है कि अभी हमने 100 पावरफुल महिलाओं को सम्मानित किया, अभी बहुत जल्दी में हम लोग 100 ऐसे पुरुषों को सम्मानित करने जाएंगे जो जोड़े में काम करते हैं, जैसे शकुन बोस जी और उनके हस्बैंड मर्यादा अम्बेडकर और संदीप बोस, इधर सुमन जी और राकेश जी, ऐसे बहुत सारी जोड़ी, मनोज अंतानी जी उनकी वाइफ, वो कैमरा पकड़ते हैं, अंतानी जी अपना माइक लगाते हैं। तो इस तरह की जोड़ियां जो देश भर में काम कर रही है उनमें अपनी बार महिलाओं को नहीं, हम इस लायक बन गए हैं कि हम पुरुषों के लिए मंच बना सके, हम पुरुषों के लिए 100 पुरुषों को सम्मानित करेंगे। क्या इसके लिए सारी महिलाएं तैयार हैं? तो एक बार में हाथ खड़ा करके बताओ कि हम तैयार हैं। देखो पलट गया ना सारा खेल, अभी तक इनके लिए रक्षा मांग रहे थे, अभी हम पुरुषों को देने लगी है। ये है ब्रेन का खेल, इनको आजाद तो कराइए, तुम्हारे बच्चे आजाद कर देंगे, तुम्हारी पीढ़ियों की गुलामी काट देंगे, लेकिन इनकी वैल्यू को समझिए तो सही। ये पूरा दिन काम करके भी रात को एक ढाई लोग में परेशान होकर सो जाते हैं कि आखिर करते क्या हो सारा दिन, करते क्या हो? अरे बिना तनख्वाह के, बिना किसी पगार के, बिना किसी मेहनत आना वसूल के सारा दिन काम करती है सुबह से शाम तक। और हमारे लोग या पुरुषवादी सोच ये कह देते हैं शाम तक तुम करते क्या हो, खाना टेस्टी
बन जाए तो तो तारीफ नहीं करेंगे, खाने में जरा सा खराब हो जाए तो बुराई होगी, बाहर आ जाएगी, सैलाब चल पड़ेंगे। अरे जो बिना शिकायत के पूरा दिन काम करती है वो शाम को कम से कम 200 यही कह दो कि तुम बहुत मेहनत करती हो, पगार नहीं लेते, फ्री के वर्कर हो, तो 200 तारीफ कहीं दे दो, तो कल को फिर सुबह उठकर एनर्जी के साथ और अच्छा काम करेंगी। तो हम ये इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगी, आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। हाँ बहने आई हुई है और सबको मौका दो बोलने का, घर में चाहे बेलन चलाने वाली हो, झाड़ू लगाने वाली हो, घर में आप कुछ भी कर रही हो, समझना कि ये झाड़ू है और यह बोलना बोलना है, समझना कि ये बेलन है और यह बोलना है बोलना है, कोई नहीं करना बिल्कुल भी, जहाँ शुरू कर दो जो भी मन में आ रहा है, एक बार गलती होगी अगली बार बहुत बढ़िया बोलने लगोगी, मेरे पर विश्वास करो, अगर बोलने में घबराहट हो तो हमसे फोन करो, आपकी ये समस्या हम घर बैठे दूर कर देंगे। धन्यवाद।